हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। हम इसको फॉर्मूले के साथ नहीं डिस्कशन करेंगे, ना क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम आज आपको यहाँ पे ट्रिक्स बताएंगे, ट्रिक्स के साथ कैसे सॉल्व करना है कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो पिछली वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो जिन्होंने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको ज़रूर वॉच कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप उसको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। तो ये JKSSB के लिए के एक टॉपिक है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का और असिस्टेंट कंपाइलर का, एंड SSC MTS की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC GD की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए कम्पिटेटिव एग्ज़ाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एग्ज़ाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं तो आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, देखिए, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। किस तरह से लगता है ये, यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये इस मेथड से निकालना सिखाऊंगा। पहले इसको बाद में बात करते हैं, पहले इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ठीक है, रुपीस है 2000, टाइम है 2 ईयर, रेट है 10%। बोला क्या गया है कि मान लो कि 2000 रुपीस लोन बोरो किया आप किसी ने, ठीक है, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10%। किसका, इसका। तो कितने समय के लिए लिया, 2 ईयर के लिए। सिंपल इंटरेस्ट में हम सिर्फ एक ही इंटरेस्ट लेते थे, मतलब कि इतने इंटरेस्ट पे इसको निकालना है तो उसको कर देते। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में आपने के लिए कि 10% किसका, 2000 का, 2000 का 10% जीरो के साथ जीरो काट दो, यानी कि 10% कितना होता है, 200, किसका, 2000 का। देखिए फर्स्ट ईयर क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में उसने कितने पैसे मतलब कि देने पड़ेंगे, यानी कि 2000 ये भी, और अगर फर्स्ट ईयर की बात करूं, एक फर्स्ट ईयर में, तो यानी कि उसको टोटल पैसे देने पड़ेंगे इतने 2200। अब सेकंड ईयर में भी तो बात चलेगी कितना देना है उसको, सेकंड ईयर में तो उसको ये तो देना ही देना है, अगर फर्स्ट ईयर में अगर इतना देना तो इतना ही देगा, सेकंड ईयर में उसको अगर देने होंगे वो कितने के, 2000 तो उसको देना ही देना है, बट उसको इसका 10% देना पड़ेगा, इसका भी 10% देना पड़ेगा। होप सो गाइस, यहाँ तक सबको क्लियर हो। यहाँ पे भी इसका 10% देना है, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा इसका 10%, 2200, ये तो इसको देना ही देना पड़ेगा, बट इसको अनदर टैक्स भी देना पड़ेगा जो इसका 10% होगा। इसका 10% की बात करूँ, इसका 10% होता है 220, 220 इसका होगा 0242, ये इसको लोन देना पड़ेगा विद कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से एग्ज़ाम में आते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे चलता है। होप सो यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब इसको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा, 420, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे रेशियो मेथड की, रेशियो मेथड के साथ इस क्वेश्चन को कैसे निकाला जाएगा। ये तो एक हमें सिंपल वे में एक विदाउट मेथड निकाला, अब आगे अगर क्वेश्चन कोई लेंथी आ गया तो उसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें मैं बात करूँगा। यहाँ पे आई होप सबको दिख रहा हो, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बात कितने साल की है, 2 साल की है, तो 2 साल का रेशियो मेथड क्या होता है, 2:3, यानी कि 2 ईयर्स का 2:1 होता है। अब इसको किस तरह से करना है, हमने यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है सामने, यहाँ पे लिखा हुआ है 2:1 कर दीजिए। रुपीज़ कितने थे, 2000, ठीक है, परसेंट कितना था, 10 ईयर, ये हमारा टाइम आ गया है, टाइम किस में है, रेशियो में डिवाइडेड है, 2:1 में, ठीक है। अब इसका 10% कितना होता है, सॉरी, इसका 10% होता है 200, 2000 का 10% 200 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला है यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका 10% लिखेंगे, यहाँ पे इसका 10% लिखेंगे, कितना होता है 10%, 20, ठीक
ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। अब निकालते हैं कैसे परसेंट के, ये तो बिल्कुल टोटली बेसिक वाली बात आ जाती है। 10% 100 × 2000, 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 × 20, 200, ठीक है। इसी तरह से परसेंटेज निकाल दें। अब क्या करना है, इनको इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 = 4, यानी कि 400, और ये कितना हो जाएगा, 1 × 2 = 2, 1 × 2 = 2, 20 रहेगा। अब आप इनको प्लस कर दोगे तो आपका 420 है, वो आपका CI आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे भी आपका CI 420 आया, यहाँ पे भी आपका CI 420 आया। तो होप्स हो गाइस यहाँ तक आपको रेशो मेथड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रेशो मेथड होते हैं, किस तरह से, अगर 3:1 की बात की है वो, तो आपने ये रेशो मेथड लगाना है, 3:3, इसको दिमाग में बिठा दो, 3:3:1, ठीक है। 4:8 का होगा, 4:6, 6:4, 4:1, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में होगी उसकी वैल्यू हम नेक्स्ट लाएंगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया हो, उसके बाद अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं आपको इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको मैं रेशो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए टाइम है 3 ईयर्स का, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सम कितना है 50,000, और रेट कितना है 12% पर एनम, ठीक है। किस तरह से निकालना है, पहले टाइम कितना है 3 ईयर्स का, यानी कि टाइम की रेशो क्या आएगी, 3:3:1, ये रेशो थी। अब बोला गया है कि सम कितना है 50,000, 50,000 का आपने 12% निकालना है, 12% किसका, 50,000 का, कितना आएगा, जब आप इसका निकालोगे आपका 6,000 आएगा, 6,000 आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका 12% किसका, 6,000 का, जब आप 6,000 का 12% निकालोगे आपका आ जाएगा 720, ठीक है। अब 720 का 12% इस तरह से निकालना है, जब 720 का 12% निकालोगे तो कितना आएगा, 86.4 इतना आएगा, ठीक है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई, 6 × 3 = 18, 18,000, 7 × 3 = 21, 3 × 2 = 6, ठीक है, 86.4, ये ऐसे ही आएगा। जब आपने 8,000 + 2,160, 86.4 को ऐड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.64202, 20246। आपने ये मेथड देखना है कि आंसर ये आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आंसर है जो 20246, ऑप्शन सी है, मैच हो चुका है। तो आप इसको अगर लगता है कि मैंने कोई अपने से ट्रिक बनाई है या कुछ आंसर इसके रट के आया हूँ, तो आप इसको फार्मूले के साथ भी कर सकते हैं, जो इसका एक्चुअल में फार्मूला है वो यूज़ करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर किस तरह से इसका निकल रहा है, ठीक है। तो होप सो गाइस यू लाइक दिस वीडियो। अगर हाँ, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, रुपीज़ कितने हैं, रुपीज़ हैं 15,000, ठीक है। रेट कितना है, किस रेट पे, 4%, और टाइम कितना है, तो टाइम आपका 4% नहीं, 14%, ठीक है। टाइम कितना है, 4 ईयर्स, आपने इसका मुझे CI बताना है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ओके गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और नेक्स्ट में हम फ्रैक्शन वाले की वीडियोस अपलोड करेंगे। तो उसके बाद हमारी रीजनिंग की वीडियो आएगी, मैथमेटिकल रीजनिंग के बेस्ड पर, जो JK SSB SSC के लिए इंपॉर्टेंस है। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।